एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीमिंग वेसल फॉर मशरूम सब्सट्रेट स्टरलाइजेशन, यानी कि किस चीज़ से हम जो अपने मशरूम के सब्सट्रेट को स्टरलाइजेशन करें उसकी। तो इसमें आएगा हम ऑटोक्लेव के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इनोकुलेशन लूप के बारे में, कल्चर ट्रे के बारे में और मशरूम वाटर स्प्रेयर मशीन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टीमिंग वेसल फॉर मशरूम सब्सट्रेट के बारे में, किस तरह से हम उसको स्टीम देंगे। ठीक है, अ प्रेशर कुकर एंड स्टरलाइजर और ऑटोक्लेव इज रिक्वायर्ड टू प्रॉपर स्टरलाइज योर सब्सट्रेट। कैसे हम सब्सट्रेट को जो स्टरलाइज करेंगे, तो इसके लिए स्टरलाइजर ऑटोक्लेव की हमें जरूरत होगी। बिफोर यूजिंग एनी मशरूम कल्चर और स्पोर, जो सब्सट्रेट है उसमें कल्चर या स्पोर को डालने से पहले हम उसे जो है स्टरलाइज करें। द प्रेशराइज वेसल इक्विपमेंट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सील्ड कैन मटीरियल अंडर प्रेशर। जो प्रेशराइज वेसल है या इक्विपमेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ सील्ड कैन मटीरियल के। इट इज इक्विप विद प्रेशर गेज एंड सॉफ्ट वैल्यू। जो हमारे पास सील कैन मटेरियल है उसमें जो है इक्विप होगा प्रेशर गेज होगा, उसमें हमारे पास सेफ्टी वॉल्व्स होंगे। द मशरूम कैंस आर स्टरलाइज एट 15 ज़ाइट फॉर 45 मिनट टू स्टरलाइज द कंटेंट फॉर लॉन्गर स्टोरेज टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ड्यूरिंग स्टोरेज। हमें जो है हर एक चीज़ को, मशरूम जो है काफ़ी ज़्यादा साफ जगह पे लगने वाली चीज़ है, इसकी हर एक जो कंपोस्ट सबस्ट्रेट स्पॉन हर एक चीज़ को हमें जो है वो क्लीन और स्टरलाइज करके ही यूज़ करना होता है। फर्स्ट थिंग टू डू इज फाइंड अ सुटेबल कंटेनिंग वेसल फॉर योर मशरूम स्टीमर। पहले जो हमारा मशरूम स्टीमर है उसके लिए हमें एक अच्छी सी जो है वो वेसल चाहिए। टुक अ 5000 लीटर टैंक दैट वाज यूज प्रीवियसली फॉर स्टोरिंग फ्यूल। ऐसा टैंक लेना है जिसको पहले स्टोरिंग फ्यूल के लिए हम जो यूज़ करते थे, उस तरह से बड़ा सा 5000 का टैंक लेना है। दिस वेसल वॉज कट इन हाफ एंड क्लीन आउट। अब इस वेसल को जो है कट कर देना है और क्लीन करना है। टुक अ बास्केट मैन्युफैक्चर दैट कुल होल्ड अबाउट 120 बैग ऑफ मशरूम सब्सट्रेट। अब उसमें जो है हमें बास्केट मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो कि 120 बैग ऑफ मशरूम को होल्ड कर सके। इस बास्केट को जो है फिट कर देना है अंडर स्टीमिंग वेसल विद इनफ स्पेस अराउंड द एज फॉर स्टीम वेंटिलेशन। हम लोग जो है जनरली इस सब को छोड़ के हम जो है ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों ने ऑटोक्लेव देखा होगा। तो ऑटोक्लेव में क्या होता है, इस तरह से जो है ऊपर प्रेशर सब कुछ जो है वाल्व्स होती हैं लिखा हुआ होता है, उसके अंदर जो हम मटेरियल डालते हैं तो उसमें जो है स्पेस होता है। ठीक है, वो बताया गया यहाँ। यूज अ हाई प्रेशर गैस बर्नर ए प्रोपेन गैस फॉर हीटिंग द वाटर। अब वाटर डालते हैं हम उसमें, ठीक है, जैसे ऑटोक्लेव में करते हैं वही सब चीज़ें कि ऑटोक्लेव में क्या करते हैं हम उसमें वाटर डालते हैं ताकि हीटअप हो जाए। इट विल टेक अबाउट 12 kg ऑफ गैस टू सक्सेसफुल स्टरलाइज 120 सब्सट्रेट बैग फॉर 5 to 6 hours। 5 to 6 hours में हमारे जो है 120 सब्सट्रेट बैग जो है स्टरलाइज हो जाएंगे। यूज इनफ वाटर इन द बास्केट टू लास्ट फॉर द 6 hours ऑफ स्टीमिंग। बहुत सारा पानी डाल देना है हमें उसके अंदर 6 hours तक स्टीमिंग के। इफ द वाटर रन आउट द ड्राई इट विल डैमेज योर सब्सट्रेट बैग। हमें उसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वाटर है उसके अंदर वो बाहर ना चला जाए, नहीं तो हमारे बैग खराब हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं इनोकुलेशन लूप। इनोकुलेशन क्या होती है, इनोकुलेशन मतलब कि हम जो मशरूम है हमारा उसमें से जब हम यहाँ से कल्चर निकालेंगे, टिश्यू कल्चर निकालेंगे, तो उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। स्मीयर लूप इनोकुलेशन वॉन और माइक्रो स्टिकर इज अ सिंपल टूल यूज मेनली बाय माइक्रो बायोलॉजिस्ट टू रिटर्न इनोकुलेट फॉर्म अ कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अगर हमें कुछ भी करना है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं ताकि, और ये जो एक बार यूज़ की जाती है, इट इज़ अ प्लास्टिक वायर एंड इट फॉर्म अ स्मॉल लूप विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 5 mm। इसका जो एंड है वहाँ पे 5 mm का डायमीटर है, इसे हम जो किसी भी चीज़ को जो है वो वहाँ से उसका स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू निकालते हैं। ठीक है, और उसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास इनोकुलेशन लूप है उसको हम फर्स्ट एक बार ही यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको थ्रो कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी मतलब पहले जो हम इनोकुलेशन लूप है उसको सबसे ध्यान रखना है, उसको खुद से स्टरलाइज करना है, उसके बाद यूज़ करें ताकि जो भी हम कल्चर बना रहे हैं एकदम प्योर बने। ठीक है, कल्चर रैक क्या होते हैं। रैक आर मेड अप ऑफ एंगल आयरन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सपोर्ट विद आयरन मैश स्ट्रिप यूज फॉर द सेल्फ ऑफ हाउसिंग कंपोस्ट। हाउसिंग कंपोस्ट के लिए जो है इस तरह से जो है वो कल्चरल रैक बनाए जाते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द रैक इज जनरली मेड अप ऑफ 4 to 5 थिक एंगल वाई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है वो 3.5 to 4 cm थिक होना चाहिए। विड्थ की बात करें तो विड्थ जो है 135 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हिंड्रेंस हो जाएंगी और हमारे उसको हार्वेस्टिंग के टाइम पे सब के टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कल्टीवेशन कैन बी डन इन बैग और इन शेल बैग्स। उसको हम बैग्स में भी कर सकते हैं या शेल बैग्स में भी कर सकते हैं। 5 to 7 rows of shell can be provided one above the other in the rack, keeping a minimum distance।
इससे हम जो हम कल्चर रैक्स बनाते हैं उससे क्या होता है, हम थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक जो है वो कल्चरल रैक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उनसे हम एक थोड़ा सा स्पेस में ही हम कितने ज़्यादा बैग्स को जो है लगा सकते हैं। डेप्थ ऑफ कंपोस्ट इन शेल्फ इज जनरली कैप टू 15 to 20 cm, वेल बैग्स कैन बी फिल्ड अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 30 cm। जो बैग्स हम रखेंगे वो 30 cm उनकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आता है मशरूम वाटर स्प्रेयर मशीन। ये कुछ जो हम पढ़ रहे हैं इनोकुलेशन लूप्स, जो हम कल्चर रैक की बात कर रहे हैं, मशरूम वाटर स्प्रेयर मशीन, ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें नेसेसरी हैं जब भी हम मशरूम कल्चर करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आफ्टर केसिंग ग्रोवर कैन स्टार्ट सेपरेटिंग द केसिंग सॉइल टू रीच अ गुड मॉइस्चर लेवल। जैसे हमने उसकी केसिंग कर दी उसके बाद हमें जो है उसको पानी देना है, ठीक है, स्प्रेइंग मशीन से। सबसे ज़्यादा वाटर में जो ये दिक्कत होती है कि जो हमारे मशरूम होते हैं कुछ इस तरह से निकलते हैं, ठीक है, मैंने बोला बटन शेप के होते हैं, तो उनको अगर आपने जो हमने वाटर दिया अगर आप उसको डायरेक्टली वाटर दोगे तो सारा ख़राब हो जाएगा। हमें उसे हमेशा स्प्रे करके वाटर देना। स्प्रे करके वाटर में भी ये ध्यान रखना है कि उनको जो ज़्यादा वाटर उसका प्रेशर ज़्यादा ना होता, कि जो हमारे मशरूम है उनको हार्म ना हो, ठीक है। बहुत धीरे धीरे वाटर देना क्योंकि उनके ऊपर जैसे अभी तो वो छोटे हैं, ठीक है, जिस टाइम पर वो छोटे होंगे उनको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही हमारी मशरूम खुलती है बड़ी होती है तो जो आपने वाटर दिया अगर आपने उसको हार्ड वाटर दे दिया, ठीक है, जोर से उसके ऊपर लगे तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको डैमेज हो गई होती है उसकी वो वाली स्किन। डू नॉट वेट अंटिल द माइसिलियम इन द कंपोस्ट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग द केसिंग सॉइल, अदरवाइज देयर इज अ रिस्क ऑफ लेयर ऑफ थिन ग्रे माइसिलियम फॉर्मिंग द लोअर लेयर ऑफ केसिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने केसिंग की आपको केसिंग के तुरंत बाद उसको पानी देना है। आपको ये नहीं देखना कि हम तभी पानी देंगे जब हमारे माइसिलियम जो है मशरूम के जो छोटे छोटे वो ऊपर जो अपर लेयर है वहाँ पे नजर आएंगे। अगर आप उसको वाटर तब तक नहीं दोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऊपर वाली जो लेयर है वहाँ पे ग्रे माइसिलियम जो है बन जाएंगे, ठीक है। केसिंग सॉइल हैज़ द राइट मॉइस्चर कॉन्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड द फाइनल डे, स्टार्टिंग से लेकर फाइनल डे तक हमें उसको राइट मॉइस्चर देना है। स्प्रेइंग इज ऑल नेसेसरी टू रिप्लेस द मॉइस्चर लॉस्ट एंड थ्रो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो रही है अगर आपने उसको हाउस में लगाया, रूम में लगाया, इवेपोरेशन से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको हीट भी देनी पड़ती है, कोल्ड टेम्परेचर भी देना पड़ता है, तो उस टाइम पे उससे सिर्फ और सिर्फ जो स्प्रे ही हमें बचा सकते हैं, हम उसे वाटर की स्प्रे करेंगे तो। और जब भी हमें वाटर देना है तो हमें ध्यान रखना है कि हम राइट प्रेशर में ही वाटर दे रहे हैं। ज़्यादा जोर के प्रेशर से वाटर देंगे तो आपकी जो मशरूम निकल रही है वो भी नहीं निकलेगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा मशरूम इनोकुलेशन लूप के बारे में, कल्चर रैक के बारे में, मशरूम वाटर स्प्रेयर मशीन के बारे में। इसी तरह हमारी वीडियो कंप्लीट होती। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।